नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको जयपुर के रामनिवास गार्डन, जो JLN रोड पे है, वहाँ लेके चल रही हूँ। और वहाँ पे हम आए हैं फूड कोर्ट में, जिसको मसाला चौक भी बोलते हैं। यहाँ आए हैं हम, पहले रामनिवास गार्डन घूमे थे और उसके बाद हमने यहाँ कुछ खाने के लिए आ गए। और ये जो फूड कोर्ट बना हुआ है, ये बहुत सुंदर बना हुआ है और इसमें जयपुर की जो भी फेमस दुकानें हैं उनके यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो जो लोग भी रामनिवास गार्डन घूमने के लिए आते हैं, वो यहाँ ज़रूर आते हैं स्नैक्स खाने के लिए। और रामनिवास गार्डन बहुत बड़ा बना हुआ है, इसमें जू भी है और बहुत सुंदर भी बना हुआ है। तो आप, मैंने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं और आप भी देखिए कितना बढ़िया सा। और यहाँ तो डिफरेंट स्टॉल्स हैं और बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बच्चों के लिए भी छोटे कार्स रखी हुई हैं घूमने के लिए। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए, देखिए कौन कौन सी दुकानें हैं। तो जैसे मैंने बोला, यहाँ सारी जो फेमस जयपुर की जो दुकानें हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये सम्राट स्टॉल है जिसमें केसर, छेला, पाव भाजी सब है। ये रामाकिशन कलकत्ते चाट का है, यहाँ सारी चीजें चाट वाट सब है। स्पेशल मूंग की दाल की पनीर चिलड़े हैं। और ये गोपाल सिंह पतासी भंडार है, यानी कि गोलगप्पे का गोल। और शंकर समोसा बहुत ही फेमस है यहाँ का। और इसके साथ इन्होंने चाप भी रखी है, ये सोया चाप सब्जी है। इसमें ये वाइट ग्रेवी में और रेड ग्रेवी में, यानी कि टमाटो ग्रेवी में, दोनों में है और बहुत टेस्टी होती है ये वाली सब्जी। और इसके साथ यहाँ पे है सेठानी का ढाबा। मतलब आप देखें, राजस्थानी थाली, रॉयल थाली, हर तरह की थालियाँ यहाँ पे मिलती है। बाजरे का मक्के का टिक्कर, पूड़ी थाली, राइस थाली, मतलब सब चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा इंडियन आइसक्रीम फलूदा है, जो लिंक रोड में है, इसकी बापू बाजार में इसकी दुकान है उनका। तो ये साथ में इन्होंने अपनी दुकान का भी नाम दे रखा है, ये जयपुर में कहाँ पे है। इसके साथ रमन डोसे वाला है, तो इसके पास पिज्जा, डोसा, सब तरह के डोसे हैं इसके पास। पिज्जा डोसा, रवा मसाला डोसा, मसाला डोसा, स्प्रिंग डोसा, सारे तरह के इसके पास डोसे हैं। आपको जौन से खाने खाएं, देखिए कितना बढ़िया सा बना रहे हैं और साथ में ये पैकिंग भी करके देते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जयपुर की जो भी फेमस दुकानें हैं उनके है यहाँ पे। और ये श्री झारखंड नाथ पोहा एंड चाट है, झारखंड नाथ पोहा एंड चाट है, जिसमें आपको पाव भाजी सब चीजें मिल जाएगी। छोला भटूरा, पाव भाजी बन रही है, लोग ले रहे हैं और खा रहे हैं। और ये गुलाब जी चाय वाला है। गुलाब जी चाय वाला जो है, ये तंदूरी चाय देता है, जयपुर की फेमस है इसकी चाय। और ये देखिए ये कैसे चाय बना रहा है, तंदूरी चाय है कुल्हड़ वाली, बहुत टेस्टी होती है। और ये दिल्ली चाट एंड कैफे है, छोला भटूरा, टिकिया छोला, छोला कुलचा, सब तरह की चीज़ें यहाँ है। देखिए यहाँ लिखे दाल पकौड़ी, बेड़मी पूरी इन्होंने बना के रखा भी है, ताकि किसी को समझ में नहीं आए तो देख लें। आलू चाट और ये छोला भटूरा और ये वहा बन्ना, ये नाम इसके इतने बढ़िया है। इसमें गुलाब जामुन, गुलाब रबड़ी, लस्सी, मसाला चाय, मखनिया लस्सी, कैरी पन्ना, छोले भटूरे सब मिलते हैं। ब्रजवासी फलूदा केसर कुल्फी का स्टॉल है, अलग अलग तरह की कुल्फियाँ हैं। शाम के वक्त यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, कि जो लोग भी
यहाँ घूमने आते हैं वो लोग यहाँ आके अपना खाक पुई के जाते हैं। ये दाल बाटी, बेजोड़ रोटी थाली, मिस्सी रोटी, मसाला छाछ, बाजरा रोटी थाली, सादा चपाती, वह सब तरह का। और ये देखिए गुलाब चूरमा और ये सादा गेहूँ का चूरमा, तो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा भी मिलता है। और ये देखिए ये बना रहे हैं। और ये जयपुरी चटकारा है, इसमें स्पेशल पाव भाजी है, मसाला डोसा है, छोला भटूरा, राज कचौरी है, सब यहाँ पे है। ये दिख रही है आपको कितना, मतलब देखते ही मुंह में पानी आ जाता है चाट। और यहाँ लोग बागों की बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। और देखिए कितना साफ सुथरा है, जिस समय समय पर साफ होता रहता है तो इतनी गंदगी भी नहीं। और लोग भी समझदार हैं, कचरा यूँ फैला के नहीं जाते हैं, सब डस्टबिन में डाल के जाते हैं। और ये अंडे वाले की दुकान है, और ये है अंडा वाला। तो यहाँ बॉयल एग, अंडा करी, रोल्स, ऑमलेट, सैंडविचेस, सब चीज़ें मिलती है अंडे से, जो भी बनती है चीज़ें। और यहाँ राधा गोविंद बर्तन उद्योग भी है, ये मेरे को समझ में नहीं आई ये कैसे है, पर यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चों के लिए जो खिलौने हैं वो है। ये आइसक्रीम पार्लर है, आइसक्रीम एंड शेक है। तो ये सब यहाँ पे दुकानें हैं जो मैंने आपको दिखाई। ये था मसाला चौक फूड कोर्ट रामनिवास गार्डन में। इसमें थोड़ी बहुत दुकानें बंद भी थी, बाकी देखिए कितना साफ सुथरा है। इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं शाम के, भीड़ है अभी। देखिए बच्चे भी मस्ती मार रहे हैं और इनकी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। और ओवरऑल ये जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी। और खाने के लिए भी जो भी स्टॉल्स हैं उसमें टेस्टी, बहुत अच्छा सा टेस्टी फूड है। और चलिए बाहर चलते हैं, दिख रहा है ना आपको कितना सुंदर साफ सुथरा और खुला खुली जगह है। और रामनिवास गार्डन तो वैसे भी बहुत सुंदर है। और ये देखिए मसाला चौक रामनिवास गार्डन में JLN रोड पे। आप जब भी जयपुर आते हैं तो ज़रूर आएँ। तो हम बाहर आ गए हैं और आपको एक बार बाहर से व्यू दिखाती हूँ इसका, कि देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये। ये सामने सारा ये रामनिवास गार्डन के अंदर ही दिख रहा है ना सामने। राम लोग शाम को टहलने भी आते हैं, गप्पे मारने भी आते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे बाहर जो है ये ठेले वाला भी खड़ा था। और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल किसी और वीडियो में। तब के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। नमस्ते।